क्योंकि अज देश के राष्ट्रपति की जी चोण हो जा रही है। इस चोण के जो मैं अपने तौर पर जो इस चोण का बाइकट कर रहा उसके संबंध में थोड़े न विचार सांझे करने लिए रूबरू होया भी क्यों बाइकट कर रहा। क्योंकि जो असी पंजाब की गल करिए देश के लंबा समा कांग्रेस ने राज किया, केंद्र के कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन पंजाब नाल हमेशा ही वितकरे होंदे आए ने। बेशक पंजाब ने सिख कौम ने हमेशा ही देश के लिए बड़िया महान कुरबानियां दित्तियां, चाहे देश नूं आजादी दवाउण दी गल सीगी 80% कुरबानियां पंजाबियां ने सिख कौम ने दित्तियां ने, चाहे देश के लोगों का ढिड भरन की गल सी उस दे विच वी पंजाब दे किसानां दा बहुत वड्डा योगदान रहा। लेकिन देश आजाद होने तो बाद साडे नाल बड़े वितकरे होए ने। सब तो पहला तो सिखां नूं जराइम पेशा कौम का खिताब दिता गया केंद्र की सरकार वालों, अते उस तो बाद साडे जिहड़े पंजाब दे मुद्दे सीगे जिहड़े सानूं जिहड़ा पंजाब दिता गया जिहदे विच पंजाबी बोलदे इलाके जिहड़े उह नहीं दित्ते गए। चंडीगढ़ जिहड़ा पंजाब दे पिंडां नूं उजाड़ के वसाया गया सी जिहदे उपर पंजाब दा हक आ चंडीगढ़ ते, उह चंडीगढ़ अज तक सानूं पंजाब नूं नहीं दिता गया। पंजाब दे जिहड़े पाणियां दे मसले ने उह हल नहीं कीते गए। SYL जिहड़ी तक्के नाल नहर कढ़न दा जिहड़ा उह सारी शुरुआत भी केंद्र की कांग्रेस सरकार वालों की गई, उहदे नाल ही जिहड़ी सिखां दी नसलकुशी हुई आ, दरबार साहब ते हमला होया 84 दे विच जो दंगे होए ने, सारिआं लई जिहड़ी कांग्रेस जिम्मेवार आ। सो इस लई कांग्रेस तों सानूं कोई भी उम्मीद नहीं कि वह साडे पंजाब दे इन्हां मसलिआं दा हल करूगी जिन्होंने बहुत वड्डीआं तक्केशाहीआं पंजाब दे नाल सिख कौम नाल कीतीआं ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिहदे नाल साडे अलायंस वीरिया श्रोमणी अकाली दल दा, इस पार्टी तों सानूं बहुत वड्डीआं उम्मीदां सी कि यह पार्टी साडे मसले हल करूगी। लेकिन भाजपा दे विच भाजपा की केंद्र सरकार आने तो बाद भी साडे मसले हल नहीं होए, चाहे कितें साडी लीडरशिप दीआं कमियां रहीआं ने जां कितें कोई निजी स्वार्थ रहे ने, कारण पता नहीं की ने, लेकिन वह मसले साडे हल नहीं होए। अते हुण भी जो पार्टी वल्लों जो भाजपा नूं उन्हां दे उम्मीदवार नूं, क्योंकि जो भाजपा दा उम्मीदवार आ वह पछड़े कबीलियां दे विचों आ, साडा उस नाल कोई विरोध नहीं, लेकिन जो पार्टी वल्लों फैसला लिया गया वोट पाउण दा उहदे लई मैं समझदा कि मेरे तों भी कोई सलाह नहीं ली गई, पुछया नहीं गया, उहदे नाल ही मैं समझदा कि जिहड़ी सिख कौम तों भी उहदे बारे कोई राय नहीं ली गई। मैं वोट पाउण तों पहलां अपने हल्के दे जिहड़े लोक ने जिन्हां ने मैनूं इस वोट दा अधिकार दित्ता उन्हां दे नाल सलाह मशवरा करन तों बाद, वर्करां नाल सलाह मशवरा करन तों बाद, इत्थों तक कि बहुत संमती श्रोमणी अकाली दल दी लीडरशिप नाल सलाह करन तों बाद, बुद्धिजीवी वर्ग दे नाल सलाह करन तों बाद, अते उहदे नाल ही जिहड़ी पंथ दी जिहड़ी सोच हैगी आ, पंथ दी जो भावनावां ने उन्हां अनुसार इह जिहड़ा बाइकट करन दा फैसला लिया। क्योंकि जिहड़े साडे पंजाब दे मसले ने, चाहे उह चंडीगढ़ दा मसला, अज देखो चंडीगढ़ दे विच केंद्र दी सरकार वल्लों हरियाणे नूं विधानसभा बनाउण लई जगह दित्ती जा रही है, जो शरेआम साडे नाल धक्का, बिल्कुल उह जगह नहीं देनी चाहीदी। उहदे नाल ही जिहड़ी पंजाब यूनीवर्सिटी आ उसदा केंद्रीकरण कीता जा रहा, उह वी साडे नाल धक्का वा। केंद्र दे जिहड़े मुलाजम सर्विस रूल लागू किए जा रहे ने, साडा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जिहड़ा उह मसला हैगा, सो उहदे नाल ही बंदी सिंघां दी रिहाई का जिहड़ा मामला हैगा, अते उस तों वी धक्का जिहड़ा कीता गया कि SYL ते रिहाई वर्गे जिहड़े गीत जिहड़े पंजाब दे हक्कां दी गल करदे ने उहनां ते वी बैन लाया गया। सो इह जिहड़ियां धक्केशाहीआं कीतीआं गईआं ने पंजाब दे नाल, सो इसे करके जिहड़ा पंजाबीआं दे जो मनां दे विच इस गल दा विरोध है। सो जे भाजपा चाहुंदी आउण वाले समें दे विच पंजाब दे लोकां दा सहयोग लैणा, सिख कौम दा सहयोग लैणा, तां जिहड़े पंजाब दे मसले ने ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ 3 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ,
मैं समझदा वह भी एक कारण ने। जे आने वाले समय के पार्टी चाहती आ दोबारा मजबूत होना अपने पैरों पर खड़ा होना तो जो लोगों दी भावनावां ने सिख कौम दी भावनावां ने उन्हां अनुसार पार्टी काम करे। पिछले समय च सा इकबाल सिंह झूंदा की अगवाई दे विच एक कमेटी बनाई गई सी जिसने तकरीबन 100 हल्कों के जाके वर्करां नूं मिलके लोगों नूं मिलके जो लोगों दी भावनावां ने जां वर्करां दी भावनावां ने सिख कौम दी जो भावनावां ने उस रिपोर्ट दे विच ओ सारे जिहड़ियां लोगों दी भावनावां दर्ज कीतियां गईयां ने जे उस रिपोर्ट ते अमल हुंदा उस नूं लागू कीता जांदा तां मैं समझदा कि आने वाले समय दे विच जिहड़ी पार्टी हैगी आ जे पार्टी चो तब्दीलियां जिहड़ियां लीडरशिप तब्दीलियां ने जिहड़ियां लियांदियां जाण तां मैं समझदा कि जिहड़ी पार्टी आने वाले समय दे विच मजबूत हो सकदी आ ते श्रोमणी अकाली दल जिस तों बहुत वड्डियां आसां ने लोकां नूं पंजाब दे लोकां नूं सिख कौम नूं कि इह साडी पंथ दी नुमाइंदा जथेबंदी आ खेतरी पार्टी आ साडे हक्कां लई लड़ूगी लेकिन इह पार्टी तां ही मजबूत हो सकदी आ जेकर सिख कौम दी भावनावां अनुसार खास तौर ते जो रिपोर्ट दे विच जो सारा कुछ लिखिया गया उहदे ते जे अमल होवे तां आउण वाले समय दे विच पार्टी मजबूत हो सकदी है क्योंकि साडा एजेंडा कल्ला राज करना नहीं चाहीदा राज सत्ता हासिल करना नहीं चाहीदा साडा जिहड़ा एजेंडा साडा लोकां दीआं भावनावां साडीआं सिख कौम दी जिहड़ी भावनावां ने ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਰਾਂ ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।